जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पहल पर स्वर्णरेखा परियोजना के सीएच एरिया स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में बैठक हुई, जिसमें चंडिल ईचा व गालुडी के मुख्य वास्तुकार के साथ मानगो नगर निगम के प्रशासक और जमशेदपुर के विशेष पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में नदी का पानी थोड़ा भी बढ़ने पर जमशेदपुर और मानगो के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा ज़्यादा हो जाने पर इस बैठक में चर्चा हुई है। स्वर्णरेखा परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2008 में खरकई और स्वर्णरेखा में जितना जल प्रवाह होने पर नदी का जलस्तर जितना ऊंचा होता था उसके आधे जल प्रवाह में ही गत दो वर्षों में उतना पानी उठ जा रहा है। जगह जगह पर नदी क्षेत्र का अतिक्रमण बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। रिहायशी इलाकों में नदी क्षेत्र का अतिक्रमण होने के अतिरिक्त जमशेदपुर में मेरिन ड्राइव, टॉल ब्रिज और सोनारी कंदरखेड़ा मोहरदा जलापूर्ति का निर्मित ढांचा के गलत डिजाइन के कारण नदी का जल प्रवाह रुकता हुआ है। पानी में कम प्रवाह के बाद भी जल स्तर काफी ऊंचा उठ जा रहा है। मानगो कपाली से लेकर आदित्यपुर तक नदी के किनारे ऐसे निर्माण आरंभ हो चुके हैं जिससे नदी की चौड़ाई सिकुड़ती जा रही है। अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 5 वर्षों में जमशेदपुर, मानगो, जुगलसलाई आदि क्षेत्रों में जन जीवन कठिन हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।